माँ की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। त्रिकुट पर्वत बना कैसे वैष्णो धाम बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो देवी के श्री चरणों में शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। त्रिकुट पर्वत बना कैसे वैष्णो धाम बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। युग में चारों तरफ मचा धरा पे हाहाकार, दुष्ट दैत्य साधु संतों का करने लगे संहार। यज्ञ हवन सभी बंद करा के करने लगे मनमानी, बढ़े असुर अभिमानी, धर्म की होने लगी हानि। धर्म की रक्षा करो हे माता, देवता की ये पुकार। देवताओं की पुकार को सुन के मान लिया अवतार, तीन देवियों की शक्ति से बच्ची ने जन्म लिया। महाबलशाली बच्ची को माँ ने आदेश दिया, रत्ना करके यहाँ जन्म लो, वो तुम्हें बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। त्रिकुट पर्वत बना कैसे वैष्णो धाम बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सच्चा माँ का दरबार, यहाँ मिलती खुशी अपार। सच्चा माँ का दरबार, यहाँ मिलती खुशी अपार। राजा रत्ना कर यहाँ जन्मी, त्रिकुटा पड़ गया नाम। अल्पायु में ही त्रिकुटा करने लगी अद्भुत काम। चमत्कार की दूर दूर तक फैल गई ख्याति, त्रिकुटा के दर्शन करने को भीड़ उमड़ जाती। पिता से बोली मन मेरा ना महल में लगने पाए, सागर के तट पर छोटी सी कुटिया दो बनवा। वैष्णवी के कहने पे राजा कुटिया दिए छवाए, सागर तट पर बैठ गई वैष्णवी आसन को लाए। वैष्णवी का तप देख दिवाकर खुश हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। त्रिकुट पर्वत बना कैसे वैष्णो धाम बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सूर्य देव वैष्णवी को दिव्य कमंडल किए प्रदान, देखे अनेकों वर वैष्णवी को हो गए अंतर ध्यान। दिव्य कमंडल का भोजन कभी भी ना घटने पाए, जो भी इच्छा हो कहने पर भोजन वो बन जाए। राम राम रटती थी वैष्णवी धर विष्णु का ध्यान, सागर तट पे सेना के संग पहुँचे कृपा निधान। लीन समाधि में त्रिकुटा को देखे रघुनंदन, भंग समाधि हुई त्रिकुटा की करने लगी वंदन। क्यों कर रही तब
तपस्या पूछ के प्रभु मुस्काते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। त्रिकुट पर्वत बना कैसे वैष्णो धाम बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। आपकी अर्धांगिनी बन जाओ मुझको दो वरदान, करके कृपा श्री राम दीजिए चरणों में स्थान। कलयुग में कल की अवतार को जब मैं ग्रहण करूंगा, तब अपनी शक्ति के रूप में तुमको वरण करूंगा। तुम जाओ त्रिकुट पे त्रिकुटा राम जी समझाए, वैष्णवी को समझा के अयोध्या रघुनंदन आए। वैष्णो धर्म का वैष्णवियों ने शुरू किया प्रचार, परम भक्त माता का श्रीधर आता था दरबार। श्रीधर निश दिन दर पे आके शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। त्रिकुट पर्वत बना कैसे वैष्णो बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सच्चा माँ का दरबार, यहाँ मिलती खुशी अपार। सच्चा माँ का दरबार, यहाँ मिलती खुशी अपार। माँ के भक्त श्रीधर के घर में थी न कोई संतान, इसी बात को लेकर श्रीधर रहते थे परेशान। बोली वैष्णवी श्रीधर से भंडारा करवाओ, भंडारे का निमंत्रण सबको दे कर के आओ। वैष्णवी माँ की बात को सुन के श्रीधर घबराया, बच्ची के रूप में वैष्णो माँ का दर्शन वो पाया। भक्त को देख के वैष्णवी बोली तनिक न घबराओ, सारी व्यवस्था मैं कर दूंगी, तुम घर को जाओ। तब भंडारे का निमंत्रण श्रीधर देने जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। त्रिकुट पर्वत बना कैसे वैष्णो बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सच्चा माँ का दरबार, यहाँ मिलती खुशी अपार। सच्चा माँ का दरबार, यहाँ मिलती खुशी अपार। भैरवनाथ को देने निमंत्रण श्रीधर जब आया, भंडारे की बात को सुनकर भैरव मुस्काया। पागल है क्या श्रीधर, कैसे करेगा भंडारा, खुद खाने को नहीं निमंत्रण बांट रहे सारा। घर में तेरे कैसे अटेंगे मेरे सभी चेले, तू ले ले। माँ ने बोला है भंडारा मैं करवाऊंगा, तुम आ जाना भैरव पाव न पीछे हटाऊंगा। भैरव को भी निमंत्रण श्रीधर देकर आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। त्रिकुट पर्वत बना कैसे वैष्णो धाम बताते हैं, हम कथा सुनाते।
जमा हो गई श्रीधर कुछ समझ नहीं पाया। गांव नगर चेलों के संग में भैरव भी आया। भक्त को देख लाचार माँ श्रीधर के घर में आई। बोली श्रीधर सबको बिठाओ भोजन में लाई। श्रीधर के छोटे से घर का बढ़ने लगा आकार। सभी लोग भोजन पर बैठे भोजन था तैयार। देख के छप्पन भोग सभी नर नारी हुए हैरान। चमत्कार देखा वैष्णवी का भैरव हो गया परेशान। वो बोला हम हैं मांसाहारी हम मांस ही खाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं त्रिकुट पर्वत बना कैसे वैष्णो धाम बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं सच्चा माँ का दरबार यहाँ मिलती खुशी अपार। सच्चा माँ का दरबार यहाँ मिलती खुशी अपार। वैष्णवी बोली वैष्णो धर्म में वर्जित मांसाहार। माता रानी का है भंडारा भोग करो स्वीकार। भैरव माँ को पकड़ना चाहा माँ हुई अंतर ध्यान। हवा में उड़ते वैष्णवी ने किया त्रिकुट पे प्रस्थान। माँ हनुमान से बोली बात को सुनो लगा कर ध्यान। गुफा के अंदर करूंगी मैं हनुमान। मुझे खोजते भैरव यहाँ पे आने वाला है। मेरी तपस्या में बाधा वो डालने वाला है। तब राह रोक भैरव की हनुमत खड़े हो जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं त्रिकुट पर्वत बना कैसे वैष्णो धाम बताते कथा सुनाते हैं। सच्चा माँ का दरबार यहाँ मिलती खुशी अपार। सच्चा माँ का दरबार यहाँ मिलती खुशी अपार। रह के गुफा में माता तप करने लगी सुबह हो शाम। अर्ध कुंवारी पड़ा है उस पावन गुफा का नाम। प्यास लगी पर्वत पर तो माँ से बोले हनुमान। बातें सुनकर हनुमान की माँ ने चलाया बाण। फूटी धरा से धारा पड़ा बाण गंगा बतलाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं त्रिकुट पर्वत बना कैसे वैष्णो धाम बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं सच्चा माँ का दरबार यहाँ मिलती खुशी अपार। सच्चा माँ का दरबार यहाँ मिलती खुशी अपार। माता दौड़ी आ गई लिए हाथ तलवार। काट गिराया सिर को कर दिया पापी का संहार। तब भैरव का सर बोला माँ मेरा करो उद्धार। मेरी गलती माफ करो माँ विनय करो स्वीकार। भैरव को
मोक्ष हुआ भैरव का, माने लिया पिंडिया का। तीन पिंडिया माँ की सबका सपना करे साकार। महाकाली सरस्वती महालक्ष्मी सपने में आई, सपने में आकर श्रीधर को बात ये बतलाई। पूजन करो तीनों पिंडी की होगी तुम्हें संतान। त्रिकूट पर्वत पर जाओ कह के हुई अंतर ध्यान। पिंडियों की पूजा की श्रीधर पर्वत पर जाके, धन्य हो गया जीवन दर्शन माता रानी का पाके। श्रीधर के वंशज ही आज भी पूजा चढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। रविराज प्रेम से माँ के चरण में शीश झुकाते हैं और कथा सुनाते।